हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है कोयल एंड पेट्रोलियम। समझिएगा सबसे पहले कोयल और पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है ना। इसके पहले समझिएगा रिसोर्स, जो भी थी इस इन्वायरमेंट में हम लोग यूज करते हैं सारे के सारे रिसोर्स हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्स जो होता है वह दो तरह का होता है, इनहॉस्टेबल और एक्सहॉस्टेबल। इसका मात्रा अनलिमिटेड है और इसमें क्या है एग्जांपल में एयर, सनलाइट एटीसी, वाटर भी है। इसमें है कि पर रेंट है लिमिटेड क्वांटिटी। देखिए जो ए भी होता है एक्सहॉस्टेबल जो होता है, इसका मात्रा लिमिट है, मतलब आप इसको अगर लगातार यूज कीजिएगा ना तो समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी खत्म नहीं होगा। जैसे क्या हो गया कोयल, पेट्रोलियम, ठीक है ना। उसके बाद हो गया फॉरेस्ट, एटीसी, मिनरल्स, ये सब जो भी हैं ये सब आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे अगर इसको, इसका मात्रा जो है कि लिमिट है, ठीक है ना। अब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कोयल जो है वो कैसे हुआ था। ये कोयल को सब पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लगता है, ऐसा नहीं है कि इसको बनाना इतना ही आसानी है, ठीक है ना। तो वे सब को हम लोग समझिएगा फॉसिल फ्यूल। फॉर्म्ड from the remains of living organism buried under the earth long ago। देखिए ये जो है नेचुरल, ऐसा नेचुरल फ्यूल्स जो धरती के अंदर ब्यूरिड हुआ है, मतलब दबा हुआ है लाखों साल तक, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। इसमें फॉसिल फ्यूल में हम लोग क्या बोलेंगे, कोयल को बोलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है ना, और भी नेचुरल गैस हो गया, है ना, ये सब क्या है फॉसिल फ्यूल कहे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये सब हाउ फॉसिल फ्यूल वेयर फॉर्म्ड, कैसे बनता है फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। ये जो है प्लांट और एनिमल्स जो है, प्लांट और एनिमल ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर ब्यूरिड रहता है, मिलियन ईयर ब्यूरिड अंडर द अर्थ, तब जा कर के बनेगा फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना। नेक्स्ट है कोयल, कोयल इज हार्ड ब्लैक कंबस्टेबल मिनरल डेट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। देखिए जो है ना कोयल बनता है, कोयल जो है ना ये हार्ड है, ब्लैक मिनरल्स होता है जिसमें मैक्सिमम जो होता है ना उसमें होता है कार्बन, या कार्बन का जो होता है या फॉर्म होता है मुख्य रूप से, ठीक है ना। कोयल का भी बनने का वही प्रोसेस है, ऐसा कहा जाता है कि 300 मिलियन ईयर से को जो है ना जंगल जो है ना भूकंप के कारण ब्यूरिड हो गया था, और जो जितने भी प्लांट्स थे वह सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो कब कन्वर्ट हो गए थे किस में, कोयल में, और जो समुद्री जीव थे वे हो गए थे पेट्रोलियम में, ऐसा कहा जाता है। अब देखिए जब कोयल को एक एनर्जी का फॉर्म है, कोयल के एनर्जी का फॉर्म, जैसे कि कोई भी कार्बन प्रोडक्ट होगा,
उसको ऑक्सीजन में जलाइएगा तो क्या बनता है? ठीक, इसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? यूज करते हैं एज ए फ्यूल के रूप में। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, क्यों? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्री में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। कोक बनाने में यूज करते हैं, कोक भी बनता है ना? अब समझना है हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ कोयल। प्रोडक्ट ऑफ कोयल, कोयल का पहला प्रोडक्ट है कोयल गैस, कोल तार, कोक, ठीक है ना? ये तीनों क्या है? प्रोडक्ट है। ये सब को हम लोग बोलते हैं, तीनों को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कोयल, ठीक है ना? अब एक कब कैसे बनता है ना? प्रोडक्ट जो होता है ऑब्टेंड होता है जब कोयल को हम लोग हीट करते हैं ऑब्सेंस ऑफ एयर। कोयल को हम लोग क्या करेंगे? हीट करना है ऑब्सेंस ऑफ एयर। ऑब्सेंस ऑफ एयर में अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग के सब्सटेंस क्या होता है? मुख्य रूप से मिलता है, ठीक है ना? अब देखिए, ये जो कोयल को हम लोग बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट रूप में क्या मिलता है हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? जब इसको लोग स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे ऑब्सेंस ऑफ एयर में, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस। ये जो प्रोसेस है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये क्या है? तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोयल इन ऑप्शंस ऑफ एयर, ठीक है? इसी प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है तीनों बनाते हैं, कोल तार, कोयल गैस, कोल तार और कोक, ठीक ना? अब समझिएगा कोयल गैस, कोयल गैस क्या होता है? कोयल गैस जो है गैसियस फ्यूल है जिसको हम लोग ऑपरेट करते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोयल इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोयल टू गेट कोक, ठीक है ना? देखिए समझिएगा, सबसे पहले कोयल को जब हीट कीजिएगा ऑब्सेंस ऑफ एयर, कोयल को हीट कीजिएगा किसमें? ऑब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है ना? अब जो है जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? कोक भी बनता है और प्लस में क्या मिलेगा? गैसियस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो गैस मिलता है उसको बोलते हैं कोयल गैस, ठीक है ना? तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? कोल तार के बारे में पढ़ेंगे, कोक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।